हेलो फ्रेंड्स हूँ छूं मनन पटेल M4Manan चैनल में तमारू स्वागत है। आपणे गया विडियोनी अंदर स्वाध्याय 11.3 पूर्ण कर्यो हतो। हवे आ विडियोनी अंदर आपणे स्वाध्याय 11.4 जोईशुं। विद्यार्थी मित्रों तमने बधाने सॉरी मारी मिस्टेकना कारणे स्वाध्याय 11.4 रही गयो हतो, जे मने ख्याल नहोतो। पर तमारा जेवा विद्यार्थी मित्रों मने मैसेज कर्यो के सर 11.4 बाकी है, एटला माटे मारी भूल मने ख्याल आवी। अने दरेक विद्यार्थी मित्रों ने मारा तरफथी थैंक यू के जे लोकोए मने याद कराव्युं के मारा आ स्वाध्याय रही गयो हतो। ए दरेक विद्यार्थीओने थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स गणित विषयना विडियो मेळववा अने सरकारी तेमज स्कॉलरशीपनी परीक्षा माटे पूछाता रीजनिंग विषयना नवा विडियो मेळववा माटे मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो। एनी साथे बेल आइकॉनने प्रेस करवानुं भूलता नहीं, जेथी तमने दरेक नवा विडियोनुं नोटिफिकेशन तरत मळतुं रहे। विडियो पसंद आवे तो एने लाइक करजो अने विडियोने शेर करजो, जेथी बीजा बाळको पण सारी रीते भणी शके। तो हवे आपणे जोईए आपणो स्वाध्याय 11.4। तो अहींया सौ प्रथम आपणे जोईशुं प्रश्न एक। तो प्रश्न एक में आप्युं छे कि एक बाघ 90 मीटर लांबो अने 75 मीटर पहोळो छे, तेनी फरते चारे तरफ बहारनी बाजुए 5 मीटर पहोळो रस्तो बनाववानो छे। आ रस्तानुं क्षेत्रफळ शोधो तेमज बाघनुं क्षेत्रफळ केटला हेक्टर छे ए शोधवानुं छे। तो अहींया आकृतिमां तमे जोई शको कि अहींया अंदरनी बाजुए आपणे बगीचो लंबचोरस बाग लीधो छे अने एनी फरते आपणे 5 मीटर जे फरते आपणे रस्तो बनाववानो छे ए बतावेलो छे। तो अहींया तमे जोई शको। तो अहींया तमने शुं कीधुं 90 मीटर लांबो, तो आ 90 मीटर थशे अने आ 75 मीटर पहोळो आपणो लंबचोरस बाग छे अने आ जे वच्चेनी जग्या बाजुमां रहे छे ए आपणो रस्तो छे। तो हवे अहींया आपणे जे माहिती आपी छे एनो ज उपयोग आपणे करीए। तो के जवाब अहीं आपेल लंबचौरस बाग माटे लंबाई L बराबर 90 मीटर अने पहोळाई B बराबर 75 मीटर। तेथी हवे लंबाई अने पहोळाई छे तो आपणे लंबचौरस बागनुं क्षेत्रफळ शोधी शकीए। तो के लंबचौरस बागनुं क्षेत्रफळ अहींया बाग लखवानुं रही गयुं छे, तो तमे लखी देजो के लंबचौरस बागनुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाई गुण्या पहोळाई। हवे लंबाई केटली छे तो के 90 मीटर अने पहोळाई 75 एटले के 90 * 75 करता 6750 मीटर वर्ग क्षेत्रफळ से वर्ग करवो पड़शे एटले के 6750 मीटर वर्ग लंबचौरस बागनुं क्षेत्रफळ थशे। पण आपणो प्रश्न शुं छे के बागनुं क्षेत्रफळ केटला हेक्टर छे, हेक्टर में शोधवानुं छे। तो हवे आपणे लखीए कि हवे 1 मीटर वर्ग बराबर शुं थशे, तो के 1 भाग्या एटले के 1.10000 हेक्टर थशे। तेथी 6750 मीटर वर्ग केम के आपणा जोड़े एटलू क्षेत्रफळ छे एटले के 6750 मीटर वर्ग बराबर शुं थशे, तो के एकनी जग्याए आपणे शुं लखवू पड़शे 6750 भाग्या 10000 करवा पड़शे। चलो हवे दशांश पद्धति तमने याद होय, जो ना होय तो फरीवार आपणे जोई लीए। तो के ऊपर शुं छे तो के 6750 एमना एम लखी दो। नीचे केटला शून्य 1, 2, 3 अने 4 शून्य छे, तो 4 अंक पछी पहला आपणे पॉइंट मूकवो पड़शे अने शरूआत हमेशा जमणी बाजुथी करीशुं। तो के 1, 2, 3 अने 4 4 पछी पॉइंट मूकीए। चलो आगळ कोई संख्या ना होय तो 0 मूकवो पड़े एटले के 0.6750 हेक्टर ए आपणो लंबचौरस बागनुं क्षेत्रफळ थशे। चलो हवे आपणो एक प्रश्न पूर्ण थई गयो। हवे आपणे जोईए आ रस्तानुं क्षेत्रफळ शोधवानुं छे, एटले के जे आ वच्चे पट्टो पड़े छे ए आपणे शोधवानुं छे। तो एना माटे आपणे शुं करीशुं तो के लंबचौरस बागनुं क्षेत्रफळ तो छे ज, हवे आ बहारनो जे भाग छे एनुं जो क्षेत्रफळ मळी जाय तो एमांथी आपणे आ बागनुं क्षेत्रफळ बात करीए तो आपणो जवाब मळी जशे। तो एना माटे आपणे सौप्रथम बहारनी बाजू केटली छे लंबाई पहोळाई ए आपणे शोधी काढीए। तो के हवे आ लंबचौरस बागनी फरते 5 मीटर पहोळो रस्तो बनाववानो छे, तेथी रस्ता साथे बागनी लंबाई। हवे बागनी लंबाई आपणे એટલા માટે લખીએ છીએ કારણ કે આપણે રસ્તો પણ એને ગણી કાઢીએ। तो अहीं तमे जो 90 में केटलुं उमेरवुं पड़शे, तो आ बाजू 5 अने आ बाजू 5 उमेरवा पड़शे। तो बराबर 90 + 5 + 5। चलो 90 में 5 95, 95 में 5 100 एटले के 100 मीटर लंबाई थशे अने रस्ता साथे बागनी पहोळाई। तो पहोळाई केटली छे तो के 75 मीटर, पण अहीं 5 मीटर उमेरवुं पड़शे ने अहीं पण, एटले के 75 + 5 + 5 करवा पड़शे एटले के 85 मीटर ए तमारू थशे। तो हवे लंबाई अने पहोळाई मळी गई होय तो आपणे ए भागनुं आपणे क्षेत्रफळ शोधी शकीए के तेथी रस्ता साथे बागनुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाई गुण्या पहोळाई। चलो लंबाई केटली छे 100 गुण्या पहोळाई केटली 85 बंनेनो गुणाकार करता 8500 मीटर वर्ग ए तमारू शुं आवशे आ बहारनुं जे लंबचोरस भाग देखाय छे एनुं क्षेत्रफळ आवशे। हवे आपणे शुं करीशुं तो के मोटुं जे लंबचोरस छे एमांथी नानो लंबचोरस बाद करी दीए तो आपणे रस्तो केटलो छे एनुं क्षेत्रफळ केटलुं छे मळी जशे। तो के तेथी रस्तानुं क्षेत्रफळ बराबर रस्ता साथे भागनुं क्षेत्रफळ। तो आपणे आ लीधुं ओछा आपणे शुं करीशुं लंबचोरस भागनुं क्षेत्रफळ एटले के ओछा लंबचोरस भागनुं क्षेत्रफळ बाद करी दिए। तो अहीं रस्ता साथे केटलुं हतुं तो के 8500 ओछा लंबचोरस भागनुं केटलुं हतुं 6750। तो बात करता जवाब आवशे 1750 मीटर वर्ग। तो अहीं तमारो आ जे रस्तो छे आ बागनी फरते एनुं क्षेत्रफळ केटलुं आव्युं 1750 मीटर वर्ग। तो हवे आपणे लखी शकीए आपणे बंने प्रश्नोना जवाब शोधी काढीए। तो छेल्ले लखीए के तेथी बागनुं क्षेत्रफळ 6750 हेक्टर आपणे अहींया हेक्टरमां शोधवानुं कीधुं हतुं एटला माटे अने रस्तानुं क्षेत्रफळ केटलुं थशे 1750 मीटर वर्ग थशे। तो आ तमारो जवाब अहींया पूर्ण थाय छे। विद्यार्थी मित्रों आवा प्रश्नों तमने सरकारी भर्ती में पण घणी वखत पूछाता होय छे तो एनुं ध्यान राखजो अने आ प्रकरण तमारा माटे खूब ज अगत्यनुं छे केम के आगळना धोरणमां पण आज माहितीनो उपयोग करी नवुं प्रकरण तमने पूछातुं होय छे। तो हवे आपणे जोईए प्रश्न 2। हवे प्रश्न 2 प्रश्न 1 जेवो छे, खाली थोड़ीक माहिती आमा ओछी शोधवानी छे। पेलामां हेक्टर शोधवानुं हतुं आमां हेक्टर शोधवानुं नथी। तो हवे आपणे जोईए प्रश्न। तो प्रश्न 2 मां आप्युं छे के 125 मीटर लंबाई अने 65 मीटर पहोळाई धरावता एक लंबचोरस बागनी फरते चारे तरफ बहारनी बाजुए 3 मीटर पहोळो रस्तो छे। तो आ रस्तानुं क्षेत्रफळ शोधो। तो अहींया तमे जोई शको के अहींया तमारे शुं करवानुं छे, हेक्टरमां जे बगीचानुं क्षेत्रफळ शोधवानुं हतुं ए शोधवानुं नथी पण रस्तानुं क्षेत्रफळ शोधवानुं छे। तो हवे तमने ख्याल हशे के रस्तानुं क्षेत्रफळ क्यारे शोधी शकीए जो बहारनी बाजू होय तो अंदर जे बगीचो छे एनुं क्षेत्रफळ तो शोधवुं पड़शे अने बहारनुं जे लंबचोरस भाग होय एनुं पण शोधवुं पड़शे। पछी मोटामांथी नानुं बाद करीए तो आपणने रस्ता माटेनुं क्षेत्रफळ मळी जशे। तो अहीं जे माहिती आपी छे एनो उपयोग करीए तो के अहीं आपेल लंबचोरस भाग माटे तो के लंबाई L बराबर 125 मीटर अने पहोळाई B बराबर 65 मीटर। हवे लंबचोरस भागनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं सूत्र लंबाई गुण्या पहोळाई एटले के L गुण्या B। तो चलो L एटले के 125 अने B एटले 65 एनो गुणाकार करता तमारो जवाब आवशे 8125 मीटर वर्ग। तो आ शुं थयुं लंबचोरस भागनुं क्षेत्रफळ। हवे आपणे बहारनो जे भाग छे एनुं क्षेत्रफळ शोधवानो प्रयत्न करीए। तो हवे अहींया शुं करवानुं छे तो के 3 मीटर पहोळो रस्तो बहारनी बाजू आपेलो छे तो एने आपणे लखीए तो के हवे आ लंबचोरस भागनी फरते 3 मीटर पहोळो रस्तो अहींया बनाव्यो नथी अहींया आपेल छे। चलो तो अहींया तमारे आपेलो छे तो अहीं शुं थशे तो के लंबाई शोधवी पड़शे रस्ता साथे एटले के तेथी रस्ता साथे भागनी लंबाई। चलो तो अहीं तमे जुओ पहोळाई केटली 125 छे तो आ बाजू 3 मीटर ने आ बाजू पण 3 मीटर उमेरवा पड़शे एटले के 125 + 3 + 3 तो बधानो सरवाळो करता 131 मीटर ए तमारे शुं थशे रस्ता साथे भागनी लंबाई थशे अने रस्ता साथे भागनी पहोळाई ए केटली छे तो के भागनी पहोळाई 65 छे आ बाजू 3 अने अहींया पण 3 एटले 65 + 3 + 3 करता 71 मीटर ए तमारुं शुं थशे बागनी पहोळाई पण रस्ता साथे। तो हवे आपणे क्षेत्रफळ शोधी काढीए रस्ता साथेनुं। तो तेथी रस्ता साथे बागनुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाई गुण्या पहोळाई बंने छे ज आपणा जोडे तो के 131 × 71 करता तो के 131 × 71 करता जवाब आवशे 9301 मीटर वर्ग। हवे अहींया तमारा माटे मोटो जे लंबचोरस हतो एनुं क्षेत्रफळ अने नानो जे हतो लंबचोरस एनुं पण क्षेत्रफळ मळी गयुं तो मोटामांथी नानुं बाद करता तो के तेथी रस्तानुं क्षेत्रफळ बराबर शुं थशे के रस्ता साथे बागनुं क्षेत्रफळ ओछा लंबचोरस बागनुं क्षेत्रफल। चलो रस्ता साथ कितलुं हतुं तो के 9301 एटले के 9301 ओछा लंबचोरस बागनुं केटलुं हतुं 8125 एटले के 8125 बाद करिए तो 1176 मीटर वर्ग ए शुं मळशे रस्तानुं क्षेत्रफल। तो हवे लखी सकीए के तेथी रस्तानुं क्षेत्रफल 1176 मीटर वर्ग थशे। तो विद्यार्थी मित्रों जे प्रश्न आप्यो छे एने खूब सारी रीते समझवो पड़शे अने पछी ज जवाब लखशो तो तमारा माटे खूब ज सरल थई जशे। अने दरेक दाखलाना मुद्दा दरेक दाखलाना स्टेप समझजो अने पछी तमारी नोटबुकनी अंदर एने लखी देजो। तो हवे तमारे नोटबुकनी अंदर समझी अने सारा अक्षरे आकृति साथे अने आकृति पेन्सिलथी दोरवानी राखजो अने पछी लखी दो। तो हवे आपणे जोईए प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में आप्युं छे कि 8 सेंटीमीटर लांबा और 5 सेंटीमीटर पહોळा पूंठा पर एक चित्र दोरेलुं छे। पूंठा पर चित्रनी फरते अंदरनी बाजुए, ध्यान राखजो अहींया शब्द आव्यो छे अंदरनी बाजू। हमणां आपणे बे जे दाखला जोया एमां बहारनी बाजू हतुं, अहींया अंदरनी बाजुए छे। तो चारे तरफ 1.5 सेंटीमीटर हांसियो छोड़ेलो छे। आ हांसियानुं क्षेत्रफळ शोधो। हवे विद्यार्थी मित्रों अहींया एक फरक आप्यो छे अंदरनी बाजुए, एटले के तमने बहारनी बाजुनुं बधुं ज आपी दीधुं छे। हवे अंदरनी बाजुए तमारे हांसियो छोडવાનો छे। एटले के अहीं आकृति में जोशो तो कि लंबचोरस पहोळा एटले के शुं छे पूंठुं छे, एमां 8 सेंटीमीटर लंबाई है और 5 सेंटीमीटर पहोळाई है और अंदरनी बाजुए 1.5 सेंटीमीटर आपणे आ रीते अहींया लंबचोरस बनशे नानो ए रीते हांसियो छोडवानो छे। तो अहींया जे माहिती आपी छे एनो उपयोग करिए। हवे अहींया लंबचोरस पूंठा माटे तो कि लंबाई L बराबर 8 सेंटीमीटर और पहोळाई B बराबर 5 सेंटीमीटर। तो लंबचोरस पूंठानुं क्षेत्रफळ हवे मळी जशे। तेथी लंबचोरस पूंठानुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाई गुण्या पहोळाई। लंबाई केटली 8 अने पहोळाई 5 एटले के 8 × 5 करता 40 सेंटीमीटर वर्ग ए पूंठानुं क्षेत्रफळ मळशे। एटले के तमने बहारनो जे लंबचोरस देखाय छे ए आपणुं पूंठुं छे एनुं क्षेत्रफळ मळ्युं। हवे अहींया शुं करवानुं छे तो के तमारे अंदरनी बाजुए 1.5 सेंटीमीटर हांस्यो एटले के एक जग्या एक લીટી દોરીને तमारे एवुं लंबचोरस अहींया बनशे एवुं छोडवानुं छे। तो एनो मतलब आ अंदरनुं जे लंबचोरस आपणे छोड्युं छे एनुं पण क्षेत्रफळ शोधवुं पड़शे। हवे अहींया ए केवी रीते शोधीशुं तो आपणे पेलामां बहारनी बाजुए हतुं तो आपणे सरवाळो करता हता, तमने याद हशे के आपणे एमां सरवाळो कर्यो तो पण आ अंदरनी बाजुए छे अने बहारनुं माप आपेलुं छे तो अंदરના माप માટે એને બાદ કરવું પડે। એનો મતલબ આ જે 8 સેન્ટીમીટર છે એનાથી આ નાનું થવું જોઈએ, એટલા માટે બાદબાકી કરવી પડશે। તો હવે આપણે અહીં જોઈએ તો કે અહીં પૂંઠા પર દોરેલા ચિત્રની ફરતે અંદરની બાજુએ ચારે તરફ 1.5 સેન્ટીમીટર હાંસિયો छोड़ेलो छे। तेथी पूंठाना अंदरना लंबचोरसनी लंबाई तो अंदर जे आपणे लंबचोरस बने छे एना माटे जोईए तो कि 8 - 1.5 - 1.5 केम के बंने बाजू छोड़वू पड़े। हवे 8 - 1.5 अने 1.5 एटले के 1.5 અને 1.5 शुं थशे 3 थशे एटले के 8 मांथी 3 जाए तो 5 सेंटीमीटर। अने पूंठाना अंदरना लंबचोरसनी पहोळाई तो अंदरनी पहोळाई एटले के आ पहोळाई तो छे बहारनी, अंदरनी आ केटली छे तो एमांथी पण शुं करवू पड़शे आ शोधवा माटे तमारे आ 5 मांथी आ 1.5 અને આ 1.5 बाद करवू पड़शे। एटला माटे 5 - 1.5 - 1.5। हवे 1.5 ने आपणे 1.5 कहीए छीए। हवे 1.5 અને 1.5 केटला थशे भेगा करीए तो 3 थाय, 3 5 मांथी बाद करीए तो 2 સેન્ટીમીટર जवाब आवशे। एनो मतलब आ जे तमने मळ्युं आ केटलुं मळ्युं 2 સેન્ટીમીટર ज्यारे आ तमने केटलुं मळ्युं 5 સેન્ટીમીટર। तो हवे आपणे लंबचोरस अंदर जे छे एनुं क्षेत्रफळ मळी जशे। तेथी पूंठाना अंदरना लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाई गुण्या पहोळाई। तो चलो लंबाई केटली 5 अने पहोळाई 2 एटले 5 × 2 एटले के 10 સેન્ટીમીટર वर्ग ए तमारा अंदरना लंबचोरसनुं मळी गयुं। हवे आपणे शुं करीशुं तो कि जे मोटुं होय एमांथी नानुं बाद करीए तो जवाब आवी जाय। एटले के हवे आपणे हांसियानुं क्षेत्रफळ शोधवानुं छे तो कि तेथी हांसियानुं क्षेत्रफळ बराबर पूंठानुं एटले के आ मोटुं छे ओछा पूंठानुं क्षेत्रफळ ओछा अंदरना जे भाग छे एटले के पूंठाना अंदरना लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ। चलो पूंठानुं क्षेत्रफळ 40 अने अंदरनुं 10 एटले के 40 - 10 करता 30 સેન્ટીમીટર વર્ગ એ તમારો હાંસિયાનું ક્ષેત્રફળ थशे। तेथी हाशियाणु क्षेत्रफळ आपणे छेल्ले लखी शकीए के 30 सेंटीमीटर वर्ग थशे। विद्यार्थी मित्रों अहींया शब्द एक ज बदलायो छे। जुओ तमे अहींया अंदरनी बाजुए ज्यारे आपणे बे दाखला जोया एमां बंने बहारनी बाजुए हतुं। बहारनी बाजू आवे तो याद राखवानुं के तमारे सरवाळो करवो पड़शे, जे लंबाई आपी होय एनो सरवाळो करवो पड़शे। ज्यारे अंदरनी बाजुए आपवुं होय तो तमारे बादबाकी करवी पड़शे। आ तमारे खास ध्यानमां राखवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों अहीं मैं जवाब एटला माटे लखी दीधा है कि आपड़ा विडियो लांबा थाय छे अने लांबा थवाना कारणे आपणे अहीं जवाब लखी देवा पड़े छे अने दाखला पण आपणे अमुक अमुक ज लेवा पड़े छे। अमुकनो मतलब आपणे एक साथे 3 के 4 ज दाखला एक विडियोनी अंदर लई शकीए छे, पछी ए विडियो खूब ज लांबो थाय छे अने जेना कारणे घणा विद्यार्थीओने त्यां नेटवर्क प्रॉब्लमना कारणे एमने क्लियर देखातुं न होवाना कारणे आपणे टूंका विडियो बनावीशुं, पण आपणे दरेक दाखलाना उकेल एमनी समझण संपूर्णपणे मेळवीशुं। हवे आ विडियोनी अंदर आपणे स्वाध्याय 11.4 ना कुल 3 दाखला जोया। हवे आ 3 दाखलाने तमारे बराबर समझवाना छे, सारी रीते तैयार करवाना छे अने सारी रीते तमारा अक्षरे सारा अक्षरे तमारी नोटबुकनी अंदर लखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों मारी करेली मेहनत जो तमने क्यांय पण उपयोगी थती होय, यूजफुल थती होय तो मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो, बेल आइकॉनने खास तमे प्रेस करजो जेथी तमने मारा दरेक नवा विडियोनी नोटिफिकेशन मळतुं रहे अने विडियो पसंद आवे होय तो एने लाइक करजो अने विडियोने शेर करजो जेथी बीजा बाळको लाभ लई शके। हवे आपणे नेक्स्ट विडियोमां मळीशुं अने नेक्स्ट विडियोमां आपणे स्वाध्याय 11.4 ना बाकीना दाखलाना उकेल मेळवવાનો प्रयत्न करीशुं। अने छेल्ले दरेक विद्यार्थीने थैंक यू के जेमने मने याद कराव्युं हतुं। स्वाध्याय 11.4 बाकी छे ए दरेक विद्यार्थीओने थैंक यू वेरी मच। आ विडियोनी अंदर आटलुं ज। मळीशुं नवा विडियोमां, त्यां सुधी मने रजा आपो। थैंक यू वेरी मच।